ओम साई राम। हम आ गए हैं साई मंदिर और ये रहा मायंक। बड़े दिनों बाद आज बड़े बड़े सालों बाद मिल रहे हैं मायंक और मायंक की मम्मी। ये देखिए सारे साई धाम सेवा के लिए बड़े टाइम बाद। बहुत समय बाद सारे लोग एक साथ, फिर देखते हैं आज कहाँ कहाँ निकलते हैं। और तब तक जय साई राम। साई के ऊपर और सनसेट होने को है, अभी थोड़ा सा और लगेगा। ये जा रहे हैं देखिए मैं की मम्मी बालक और आगे मैं और म्यू। आज धूप थोड़ी सी और देखते हैं यहाँ से आएगा सनसेट। एक पॉइंट है और ये है यहाँ से झड़ी पानी ट्रैक, जैसे झड़े पानी ट्रैक ये है ऊपर को यहाँ से। ये देखिए आगे मयंक, उसको फिर से राणा इंटरनेशनल स्कूल की याद आ रही है। स्कूल की याद आ रही है ना? नहीं सर, आज ऐसे लग रहा है। हाँ जैसे आप भी ट्रेनिंग में आ गए, सेशन वापस स्टार्ट हो गया। हाँ ये हिल ट्रेनिंग हो रही है बोला आज। हाँ अपहिल, अपहिल वाला, अपहिल वाला। तो थोड़ा सा और जाएंगे और उसके बाद फिर वहीं से लौटेंगे। फिलहाल ये है सर का जंगल। मयंक शुरू हो गया, ये देखो मयंक अपना रिकॉर्डिंग शुरू हो गई उसकी। और ये लोग जा रहे हैं आगे, हम भी चलते हैं थोड़ा आगे नीचे की तरफ को। आज धूप दो दिनों बाद, लेकिन बादल अभी भी बिल्कुल वैसे ही। और मुझे लग रहा है एक डेढ़ घंटे में बारिश भी आ ही जाएगी। तो हम जा रहे हैं अभी शिखर फॉल वाले रास्ते पे नीचे की तरफ। और ये पहाड़ों की सुंदरता यही है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। सामने अगर पहाड़ पर देखो, आधे में धूप है और आधे में छांव है। और हम लोग भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये नीचे अगर देखेंगे तो सामने बिल्कुल ये रहा मयंक। आज फिर से हमको राणा के दिन याद आ गए, हम लोग कभी खेलने जाया करते थे। पहला दिन है हमारे सेशन का, सेशन का पहला दिन। तो मयंक बोलता है सर वो हिल वाला याद आ गया, अब हिल डाउन हिल दोनों चल रहा है। ये मयंक की मम्मी, ये देखिए राजस्थान के बाद आज आप पहाड़ आ गए हैं, आज मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए ये है असली ब्यूटी पहाड़ की। अभी हम देहरादून के आउटस्कर्ट्स में ही हैं, सामने अगर देखोगे तो बहुत जबरदस्त। और ये है देखिए, ये हैं सारे, ये इनकी ये फोटोग्राफी शुरू हो गई दोनों माँ बेटी की। ये देखो सामने से शुरू, ये है बड़ा सुंदर लग रहा है सामने। बिल्कुल आधा पहाड़ धूप सेक रहा है और आधा पहाड़ छाँव में है, अभी भी ठंड है। और मसूरी की तरफ को बर्फ गिर गई। ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके पीछे सामने बिल्कुल पहाड़, ये देखिए हमने निकलते हैं हम यूँ। ये देखिए सारे लोग हंसते हुए सब। आज बड़े टाइम बाद हम भी बाहर निकले हैं, बहुत टाइम बाद, क्योंकि दो तीन दिन से मौसम भी ख़राब था। और ये बादलों को उड़ते हुए, बादलों को देख के लग रहा होगा। सामने शिखर फॉल, उधर बीच में अगर देखेंगे तो सामने उधर उधर जाके उस तरफ है शिखर फॉल। और ये नीचे रिजॉर्ट्स बन गए, यहाँ पे कैफे भी बन गया। सामने एक गाँव, वो सड़क जा रही है गांव। ये है ब्यूटी पहाड़ों की। पहाड़ों में आए और थोड़ा चढ़े नहीं तो क्या फायदा। मयंक लेके जा रहा है म्यू को, दोनों लगा पता नहीं कौन किसको लेके जा रहा है। देखो दोनों पहाड़ में चढ़ गए। हाँ भाई कुछ दिख रहा है आगे? दोनों ट्रैकर्स बन रहे हैं आज, देखना उधर तार भी है। ये दिख रहे हैं दोनों ये यहाँ पर। और जब कोई पहाड़ में चढ़ता है तो ताली बजाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए भी चाहिए, तो दो यहाँ पर हैं, ताली बजा रहे हैं और साहस बढ़ा रहे हैं दोनों का। और ये दोनों यहाँ पर वहीं, अब सनसेट होने को है बिल्कुल सामने दिखेगा उसके बाद में। ये देखो ये मयंक और म्यू। म्यू जब छोटी थी तब मयंक अक्सर उसे खिलाया करता था गोद में, और आज बड़ी हो गई है। अब तो बराबर भाग रही है सर। डेगाना राणा इंटरनेशनल स्कूल के वो दिन, फिर घर में जाके दाल बाटी चूरमा भी खूब चबाया था हमने, तो हम तो चबा देते हैं भाई। ये देखो
इधर हो रहा है सनसेट, ये दोनों जा रहे हैं सामने बिल्कुल लाल लाल सूरज, ये आ रहे हैं यहाँ से पहाड़ घूम के, सब ठंड से लाल हो गए और ये दोनों अपना ही अलग लगे पड़े माहिंग और म्यू। हाय, हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। ये देखो सामने सनसेट बिल्कुल लाल था और ये है सामने सहनसाई से झड़ी पानी वाला ट्रैक। ये दोनों भागे म्यूर मैंक, दोनों भाग गए। ये सामने ये हो रहा है सनसेट लाल बिल्कुल, अभी दिखाई दे रहा है। देखो आप सब लोग यहाँ शाम को खूब भीड़ होती है सहनसाई में, ये आ रहे हैं फिर से और ऊपर मौसम खराब होता जा रहा है, बिल्कुल मौसम खराब होता जा रहा है। पहाड़ों की यही खासियत है कोई भी कहीं भी चढ़ जाता है। देखो भाई को, और ये है सामने सनसेट इधर कंक्रीट। अब यहीं से निकल के जाएंगे हम सिटी की तरफ, यानी कि सहनसाई से वापस राजपुर रोड की तरफ निकलेंगे। ये देखो सामने और ऊपर टिकड़ी से अगर जाओगे तो अब तो बहुत दूर तक गाड़ी लेके जाते हैं लोग, लेकिन पैदल जाने का जो मज़ा है वो गाड़ी में कहाँ। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और नई जगह पर, कुछ और नई बातों के साथ और नए नज़ारों के साथ। तब तक हम भी चले क्योंकि अब हो सकता है बारिश आ जाए। देहरादून में हूँ और नजीस काफ़ी रोल नहीं खाया तो फिर क्या खाया ना, मेरे को रास्ते में मेरा अपने हाथ में है तो ये खा के निकलेंगे घर की तरफ। स्वाद कुछ अलग ही है यहाँ का। और ये मेरा अड्डा अभी से नहीं है, जब से मैं आया हूँ तब से मैं दूसरी बार आ रहा है यहाँ पे और बहुत मज़ेदार है यहाँ खा के, मतलब मज़ा ही आ जाता है। ये बिल्कुल इसके बगल में है कैप्टन और बहुत मज़ा आएगा आपको।